नमस्कार, मैं आनंद राम से म्यूज़िक लर्नर्स कलाकारों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे अपने चैनल पर। इसका नाम है सुरभि स्वर संगम। आप लोगों ने खैर थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो मेरा बैंजो का जो कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स, जो मेरा एप्लीकेशन बना हुआ है, जो लोग नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को भी बता देना चाहता हूँ कि मेरा एप्लीकेशन बना हुआ है सुरभि स्वर संगम के नाम से, जो कि स्पेशली मैंने बैंजो प्लेयर्स के लिए डिज़ाइन किया है। जो लोग घर बैठे बैंजो की तालीम ऑफलाइन जैसा फील लेना चाहते हैं, घर बैठे बैंजो सीखना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस यदि आप लोग चाहते हैं, तो सुरभि स्वर संगम का एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अभी कुछ ही महीनों पहले मैंने मेरा जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च किया था, जहाँ पर आपको मंथली कोर्सेज जो है बैंजो के वहाँ पर सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये मैं इसलिए मैं शूट कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मैंने मेरे एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैंने बदली है, मतलब कंटेंट नहीं बदला है। जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे स्टूडेंट्स का बड़ा इशू हो रहा था, या कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि सीखने वाले कुछ लोग जो है वो प्रोफेशनली भी सीखते हैं, कुछ लोग जो है शौकिया तौर पर भी सीखते हैं। तो जो लोग प्रोफेशनली सीखते हैं तो उन लोगों के पास तो खैर बहुत समय होता है रियाज़ करने का, लेकिन जो शौकिया तौर पर सीखते हैं उन लोगों के पास उतना समय उनको मिल नहीं पाता। कोई जॉब में रहता है, कोई स्कूल जाते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग दिनचर्या रहती है। ठीक है, अपना अपना प्रोफेशन रहता है, क्योंकि कई सारे लोग शौकिया तौर पर भी सीख रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास ऐसे सजेशंस आए थे कि सर हम जो, क्योंकि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो मेरा कोर्स है वो मेरा मंथली कोर्स वहाँ पर रहता है। ठीक है, जो सुरभि स्वर संगम मेरा एप्लीकेशन बना हुआ है वहाँ पर हर एक महीने का कोर्स जो है वो अलग अलग रहता है। मंथ वन, मंथ टू, मंथ थ्री, मंथ फोर, इस तरीके से मंथली कोर्सेस वहाँ पर मैंने अपलोड कर रखे हैं। अब हर एक महीने में आपको 12 वीडियो लेसन्स मिलते हैं, 12 वीडियो लेसन। और ये जो वीडियो लेसन है ये 5 या 10 मिनट का नहीं होता, ये पूरा 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे, कम से कम 50 मिनट तो होगा ही होगा और अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। ठीक है, बट फिर भी 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बीच का जो है वो सेशन मेरा होता है। कहीं कभी कुछ कुछ वीडियोस ऐसे भी है जहाँ पर 1 घंटे से ऊपर 1.25 घंटे के भी वहाँ पर लेसन डले हुए हैं। तो इतना लंबा करने का जो मेरा मोटिव था वो यही था कि आप लोगों को ऑफलाइन जैसा एक फील मिले, आपको ऑफलाइन क्लास जैसा आपको सीखने को मिले। क्योंकि उन वीडियोस में जो मेरे लेसन्स बने हुए हैं वहाँ पर मैं खुद बैठ कर के प्रैक्टिस करता हूँ, मैं खुद बैठ कर के वहाँ पर रियाज़ करता हूँ। ऐसा नहीं 5 या 10 मिनट का आपको कोई वीडियो मिलेगा और उस वीडियो से फिर आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है जो बिगनर्स होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता है कि आप लोग मतलब किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से फ़ायदा नहीं होगा, सही अभ्यास करने से फ़ायदा होगा। तो एक्चुअल में पता तो लगना चाहिए ना सही अभ्यास होता कैसे है। तो वही चीज़ बताने के लिए, समझाने के लिए मैं खुद 1-1 घंटे बैठ करके उन वीडियोस में मैंने रियाज़ किया है। ठीक है, तो रियाज सेशन है ये, 5 या 10 मिनट का कोई वीडियो नहीं मिलेगा कि आपको व्हाट्सअप पे 5 या 10 मिनट का कोई वीडियो दे दिया उससे आपको अभ्यास करना है। पूरे 1-1 घंटे के, 50 मिनट से लेकर के 1 घंटे का आपको जो वीडियो है वहाँ पर मिलेगा और मैं खुद बैठ करके उसमें रियाज़ करता हूँ। इसके अलावा यदि आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो भी मैं लाइव भी आता हूँ हर महीने। ये 12 जो वीडियो लेसन है वो तो रहेंगे ही रहेंगे, इसके अलावा लाइव क्लासेस भी होती है। 3 लाइव क्लास हर महीने 1 तारीख को, 11 तारीख को और 21 तारीख को मैं कंडक्ट करता हूँ, जहाँ पर आपको वीडियोस के दौरान यदि सीखने में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो आप मुझसे वहाँ पर लाइव क्लास में पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट यदि आपका रहता है वीडियो सेशन से सीखने के दौरान। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने मेरे एप्लीकेशन के बारे में बताया है। और ये जो वीडियोस हैं, जैसे मंथ 1 का कोर्स, मंथ 2 का कोर्स, ये सारे जो रहते हैं, ये इनकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 मंथ की अभी तक थी। ठीक है, क्योंकि मैंने इसी में थोड़ा सा चेंजेस किया है। 1 मंथ, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज यदि कोर्स परचेस किया तो ये अगले 1 महीने तक जो है वो आपका जो कोर्स है, मतलब जो वीडियोज़ है वो वहाँ पर अनलॉक रहते हैं। वो जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा वो वीडियोस अपने आप लॉक हो जाते हैं। ठीक है, तो कई सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम थोड़ा सा उनका था कि सर हम जो 12 वीडियोस हैं वो हमको इतना समय नहीं मिल पाता है, तो वो
30 दिन में भी कंप्लीट नहीं हो पाते, कुछ वीडियोस रह जाते हैं, हम लोग उनको नहीं देख पाते। हालांकि 12 वीडियोस 30 दिन में तो संभव है, मेरे ख्याल से हो सकता है, बट फिर भी बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये मैंने थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश की है आप लोगों के सजेशंस के आधार पर, तो अभी मैंने उसी में चेंजेस किया है। तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि कई सारे न्यू स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे जिन्होंने डाउनलोड कर लिया, वो तो ठीक है, बट मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से वो मंथली कोर्सेस है, वो मैं आपको थोड़ा सा उसका एक डेमो बताता हूँ। ओके, तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मंथ वन, ये जो है मंथ वन, मंथ टू, मंथ थ्री, ठीक है, ये पूरे पोस्टर्स बने हुए हैं। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहाँ पर इस तरीके से आपको जो पोस्टर्स है वो नज़र आएंगे, मंथ वन, मंथ टू, मंथ थ्री, मतलब ये पूरा कोर्स बना हुआ है। तो ये मंथ वन का जो कोर्स है इसमें 12 वीडियो लेसन आपको मिलेंगे, मंथ टू का जो कोर्स है इसमें आपको 12 वीडियो लेसन मिलेंगे, मंथ मतलब हर महीने का जो कोर्स है उसमें 12 जो वीडियो लेसन है वो वहाँ पर डले हुए हैं, ठीक है। तो अब ये जो 12 वीडियोज होते थे ये एक महीने तक आपके पास अवेलेबल रहते थे। तो अभी जो चेंजेस मैंने इसमें किया है वो ये किया है कि अब से जो बिगनर्स है, क्योंकि बिगनर्स को थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनको समय लगता है चीज़ों को समझने में, उंगलियों को बिठाने में, क्योंकि मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया है वो बिल्कुल प्लेक्ट्रम को पकड़ने से लेकर के किस तरीके से फिंगर्स को हमको फास्ट करना है, कैसे चीज़ों को समझना है, क्लासिकल को आधार बना करके सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की, किस तरीके से बॉलीवुड सॉन्ग्स होते हैं, गज़लें होती है, सब कुछ अल्टीमेटली क्लासिकल प्लस लाइट म्यूज़िक सब कुछ वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बट आधार हमारा क्लासिकल है, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो 6 मंथ होता है, ये मतलब स्टार्टिंग का जो 6 मंथ है उसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है कि अभी हर एक मंथ जो है वो एक महीने तक अवेलेबल रहते थे सारे वीडियो, बट अब से 2 मंथ तक हर एक जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी मैंने कर दी है, ठीक है। 18 मई 2024 से जो वैलिडिटी है वो 2 मंथ की हो गई है। तो यदि आप लोग ज्वाइन करते हैं किसी भी कोर्स को फर्स्ट मंथ से लेकर के 6 मंथ तक, क्योंकि ये तो 3 आपको दिखाई दे रहे हैं 3 मंथ, और इधर ये जो है ये 3 मंथ, मतलब 4th, 5th और 6th, ठीक है। तो ये 6 मंथ है जो है वो बहुत ही कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए, इसको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है यदि आप ज्वाइन करते हैं सीखना शुरू करते हैं। तो 6 मंथ के बाद क्योंकि राग शुरू हो जाता है, हालांकि राग तो 4th मंथ से शुरू हो गया, बट वहाँ पर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो स्टार्टिंग का 6 मंथ जो है वो मैंने कंपलसरी रखा है, उसके बाद जो है प्योरली राग के सेशन सारे होते हैं, तो वहाँ पर आप किसी भी राग को रेंडमली आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस के आधार पर करें, हालांकि सीक्वेंस के आधार पर करेंगे तो बहुत ही बढ़िया है क्योंकि मैंने उसी हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन की है, बट उसके अलावा फिर अपनी अपनी पसंद होती है किसको कौन सा राग करना है, किसको कैसा राग करना है, ठीक है। बट ये स्टार्टिंग का जो 6 मंथ है वो सभी लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप करना कंपलसरी है, ये करना है मतलब करना ही पड़ेगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते, यहाँ पर पूरा फाउंडेशन आपका तैयार होगा। तो स्टार्टिंग का जो 6 मंथ है इसको मैंने 2 मंथ की वैलिडिटी कर दी है, हर एक कोर्स 18 मई 2024 से जिसने ज्वाइन किया है उसकी 2 मंथ की वैलिडिटी होगी, बट उसका थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा जब आप परचेस करें तो वहाँ पर आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है, कि 2 मंथ वैलिडिटी, तो इस हिसाब से आप लोग ज़रूर उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। और एक चेंजेस ये है कि 6 मंथ तक जो है वो तो 2 मंथ की वैलिडिटी है ही, बट उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि जो 7th मंथ से जो वीडियोज़ हैं उसमें भी 1 मंथ ना होकर के मैंने उसमें 10 डेज प्लस कर दिया है, मतलब कि आपको 7th मंथ के बाद के, मतलब 7th मंथ से लेकर के आगे के जितने भी मंथ का जो कोर्स आएगा जो कि रागों पर आधारित रहेगा वो सब के लिए भी वैलिडिटी 40 दिन की कर दी गई है, 40 डेज। कोई भी आप 7th मंथ से किसी भी कोर्स को यदि आप परचेस करते हो वहाँ पर ज्वाइन होते हो तो आपको 40 दिन तक वो जो वीडियोज़ है आपके पास अवेलेबल रहेंगे, किसी भी समय पर सुबह दोपहर शाम कितनी भी बार आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और वहाँ से सीख सकते हैं, PDF वगैरह सब कुछ वहाँ पर एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो ये मेन अनाउंसमेंट जो था वो आज का मैंने आपको बता दिया है। तो एप्लीकेशन में ये चेंजेस हुए हैं, 2 मंथ की वैलिडिटी कर दी गई है 1st मंथ से लेकर के 6 मंथ तक, 7th मंथ से 40 दिन की वैलिडिटी ही आपके पास रहेगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा समय आपको इन चीज़ों को करने के लिए मिल रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ और, अब इसको आप इस तरीके से मत लीजिएगा कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
फर्स्ट मंथ आपने कोर्स परचेस किया, अब आपने सोचा कि 2 मंथ की वैलिडिटी है तो आराम से करते हैं, ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। 2 मंथ मतलब कि ये रेफरेंस के तौर पर वीडियोस आपके पास रहेंगे। एक बार आपने 12 वीडियोस देख लिए, रियाज़ तो आपको कंसिस्टेंट करना ही है, कंटिन्यूस करना है। एक बार आपने पूरे 12 वीडियो देख लिए, फिर आप म्यूज़िक डायरी बना ही रहे होंगे खैर, तो उसमें करने के बाद फिर आप उसका रियाज़ जब करें तो रियाज़, अब बार बार आपको ऐसा नहीं कि पूरे 60 दिन हैं तो बार बार वीडियोस को देख देख करके रियाज़ करें, ऐसा नहीं करना है। ये केवल रेफरेंस के तौर पर वीडियो आपके पास रहेंगे। स्टार्टिंग में वीडियोस को देख करके अच्छे से समझ जाना है, कोर्स पूरा आपको लिखना है, बाकायदा बनाना है, पूरा रियाज़ करना है। रियाज़ के दौरान आपको लगता है कि ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे हुआ था, तब जा करके उस लेसन को फिर से आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो और फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपको लगता है कि नहीं, फर्स्ट मंथ का मेरा जो कोर्स है वो 40 दिन इनफ मेरा हो गया है, तो आप सेकेंड मंथ का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि पूरा ये 2 मंथ कंप्लीट होगा उसके बाद आप दूसरे पे जाएं, ठीक है। तो अल्टीमेटली इधर भी आपके 20 दिन बचे रहेंगे और दूसरे मंथ का कोर्स आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी 2 मंथ की वैलिडिटी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली यदि मैंने सेकेंड मंथ में कुछ चीज़ें ऐसी बताई होगी जो कि फर्स्ट मंथ से रिलेटेड होगी, तो आप उसको भी वहाँ से फर्स्ट मंथ के वीडियोज़ को देख करके उन चीज़ों को फिर समझ सकते हो। तो अल्टीमेटली आपके पास बहुत ज़बरदस्त मतलब समय आपके पास रहेगा इन चीज़ों को साधने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। बट मेन चीज़ वही है, अभ्यास अकेले में ही सही होता है। तो कोशिश ये करेगा वीडियोस को रेफरेंस के तौर पर आप लीजिए और आराम से फिर अभ्यास शुरू करिए। तो ये चेंजेस मैंने बताए हैं, इस तरीके से एप्लीकेशन में चेंज हुआ है। और जो लोग नए हैं, मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि शायद ये बैंजो के इतिहास में फर्स्ट टाइम है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म इस तरीके से बना है, एप्लीकेशन बनी है, जहाँ पर आप लोग घर बैठे स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस बैंजो को सीख सकते हैं। ये सब मेरे गुरुओं के आशीर्वाद से, मेरा इस नाचीस का थोड़ा बहुत जो अनुभव रहा है बैंजो के क्षेत्र में और आप सभी लोगों के प्यारों सपोर्ट की वजह से संभव हो पाया है, ठीक है। तो यदि आप लोग सीखना चाहते हैं बैंजो, प्रॉपर तालीम स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं, तो आप सुरभि सोरसंग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर पर, कहीं पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि कोई डाउट आपको रहता है तो यहाँ पर नंबर चल रहा है नीचे 8435737494, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप लोग बैंजो भी परचेस करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट करके बैंजो भी परचेस कर सकते हैं। और कोई यदि आपका और सवाल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर भी बहुत सारे कंटेंट लेकर के आता हूँ, इंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं कंटिन्यूस एक्टिव रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी मैं लेकर के आता रहता हूँ। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग ज़रूर बताइए ये अपडेट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार।